today's topic is parts of flower. Let us see different parts of flower. Now I am going to draw flower. This is base of flower called as thalamus. Now flower जो है वो यहाँ पे फ्लावर के जो वर्ल्स है, फ्लावर के जो पार्ट्स है वो यहाँ इस पे अरेंज होने वाले हैं. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को वी विल कॉल वर्ल्स ऑफ फ्लावर, वर्ल्स ऑफ फ्लावर, वर्ल्स. नाउ लाइक वन लेयर, टू लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर, दीज सर्कल्ड और राउंड लेयर्स आर कॉल्ड वर्ल्स. Let us draw it again. Thalamus. Look what I have written here. Four whorls of flower. मतलब flower में चार layers है. There are four different layers in the flower, inside the flower. We will start from outermost layer. Okay. So outermost layer, जो सबसे बाहर है, outer side में है, and that layer is ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर की है एंड दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज इन बर्ड कंडीशन. जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, सपोज दिस इज अ फ्लावर एंड बर्ड है वो, तो ये लेयर देखो इसको कवर कर रहा है. सो दिस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज कैलिक्स. दिस कैलिक्स इज आउटर मोस्ट वॉल. ये जो पूरा वॉल है, ये ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बनेगा, कैलिक्स. बट इफ आई टेक दिस सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ, ये एक सिंगल को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सेपल. ओके, तो सिंगल इज सेपल बट होल लेयर, पूरा जो वॉल है उसको बोलते हैं कैलिक्स. ओके, सो कैलिक्स इज मेड अप ऑफ मेनी सेपल्स. नाउ कैलिक्स के बाद का जो वॉल है, कैलिक्स के बाद का, उसके अंदर का, सी दिस वॉल, दिस इज ब्राइटली कलर्ड. ओके, ब्राइटली कलर्ड एंड दिस सेकेंड वॉल, दिस इज फर्स्ट वॉल आउटर मोस्ट कैलिक्स के बाद, दिस सेकेंड वॉल इज कॉल्ड एज कोरोला. वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला? कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर जनरली एंड कोरोला इज ब्राइटली कलर्ड. This whole layer is called as corolla. But if I take this single structure out, then this single structure is called as petal. Okay? So corolla is made up of many petals. Calyx is made up of many sepals. So sepals and petals. Whorl of the flower, or you can say third layer of the flower. Calyx, corolla. Now third layer. This is the third layer and this layer is called as androecium. Androecium, break this word, androecium, E is silent. Okay, third layer is androecium and aise agar bahut sare hain to we will say androecium, but single. Otherwise, single को I take this single thing out, then this single is called as stamen. Okay, single is stamen. और बहुत सारे हैं layer है तो it is androecium. So androecium is made up of many stamen, right? Okay. What is the role of androecium? जैसे हमने calyx का देखा, calyx जो sepal से बना है, green color protection देता है flower को. कोरोला जो ब्राइटली कलर्ड है, पेटल से बना है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को फ्लावर की तरफ आने के लिए. ब्राइटली कलर्ड है ना, तो अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए. तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेयर? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टैमेन, राइट? तो ये पार्ट का, ये वर्ल्ड का रोल क्या है? तो लुक हियर, स्टैमेन, यहाँ पे मेन लिखा है ना, तो इसका मतलब है दिस पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. व्हाट इज दिस एंड्रोशियम? मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ द फ्लावर. क्यों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? बिकॉज इट मेक्स, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स. इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स जिनको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेट्स, वो यहां बनते हैं. सो थर्ड लेयर एंड्रोशियम. कैलिक्स हो गया फर्स्ट, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम. नाउ लास्ट वर्ल, फोर वर्ल्स देखते हैं हमको फ्लावर के, राइट? फोर वर्ल्स, थ्री वर्ल्स वी हैव सीन. नाउ लास्ट वर्ल, दिस वन. ये मैं आई एम ड्रॉइंग इट ओनली वन, बहुत सारे नहीं निकाल रही हूँ, एक ही निकाल रही हूँ. बट यू कंसिडर दिस एज मेनी. अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो ये वर्ल को वॉट यू विल कॉल दिस वर्ल, गाइनोशियम. दिस फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज गाइनोशियम. ब्रेक दिस वर्ड, गाइनोशियम इज साइलेंट. जैसे एंड्रोशियम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वैसे गाइनो वी हैव सीन इन प्रीफिक्सेस. गाइनो मींस वुमेन, ओके, सो और फीमेल. सो गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जैसे एंड्रोशियम, ये सिंगल को क्या बोलते हैं, स्टैमेन, और पूरे वर्ल को बोलते हैं एंड्रोशियम. सिंगल को बोलते हैं, पूरे वर्ल को बोलते हैं गाइनोशियम. बट अगर सिंगल, दिस सिंगल थिंग इज कॉल्ड एज कार्पेल या फिर पिस्टिल. दिस सिंगल इज कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टिल. एंड वॉट इज दिस कार्पेल और पिस्टिल? अगर एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. और ये पार्ट में क्या बनेगा? फीमेल गैमेट. लास्ट टाइम ऑल फोर वॉल्स ऑफ द फ्लावर. कैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स एंड ग्रीन इन कलर. कोरोला विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स एंड ब्राइटली कलर. देन थर्ड वर्ल एंड्रोशियम विच इज मेड अप ऑफ स्टैमेन एंड विच मेक्स मेल गैमेट. फोर्थ वर्ल गाइनोशियम विच इज मेड अप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल एंड विच मेक्स फीमेल गैमेट. नाउ वन क्वेश्चन, कैन यू टेल विच आर द इसेंशियल वर्ल्स फॉर द फ्लावर? कौन से वर्ल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर को एंड कौन से वर्ल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लावर्स के लिए? इन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्स कौन से होंगे? यस राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्स आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं इसेंशियल वर्ल्स. क्यों इसेंशियल है? क्योंकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहा है. एंड ये किसमें हेल्प करेंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन, राइट? एंड दीज टू, कोरोला एंड कैलिक्स, ये जो दो वर्ल्स है इनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल्स. नॉन इसेंशियल वर्ल्स मतलब लेयर्स. नॉन इसेंशियल वर्ल्स और इनको ये हेल्पर्स है, एक्चुअली हेल्पर्स. तो इनको बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल्स. दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वर्ल्स एंड दीज आर इसेंशियल वर्ल्स. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द कितने वर्ल्स प्रेजेंट है. कभी कभी ऐसे होगा, सी आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल नाउ, यू कैन टेल मी. दो फ्लावर्स निकालती हूँ मैं, दो फ्लावर्स में का डिफरेंस आप लोग अभी मुझे बताओ. दिस इज थैलेमस, देन कैलिक्स, देन कोरोला, देन वॉट इज दिस? एंड्रोशियम, राइट? एंड दिस इज गाइनोशियम. सो एक ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किया है एंड आई एम ड्रॉइंग वन मोर फ्लावर नाउ. थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम. देर इज नो गाइनोशियम. सो दोनों फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है? मैंने बता दिया, देर इज नो गाइनोशियम इन दिस फ्लावर. वेर एज गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट है. इसमें चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ तीन वर्ल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे गाइनोशियम भी है, एंड्रोशियम भी है. यहाँ पे गाइनोशियम इज अब्सेंट, ओनली एंड्रोशियम इज देयर. ऐसे फ्लावर को जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शुअल पार्ट प्रेजेंट है, एक मतलब यूनि, ऐसा फ्लावर क्या है? यूनि सेक्शुअल फ्लावर, राइट? दिस फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर.
नाउ इसका और एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ. आई विल जस्ट ड्रॉ नाउ. सो थैलेमस अगेन, क्यालिस, कोरोना एंड डायनोशियम. नो एंड्रोशियम इज देयर, नो एंड्रोशियम. सो शैल आई कॉल दिस यूनिसेक्शुअल फ्लावर? यस, दिस इज ऑल्सो यूनिसेक्शुअल, क्योंकि है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिसेक्शुअल फ्लावर. सिर्फ क्या प्रेजेंट है इसमें? गाइनोशियम. और इसमें क्या प्रेजेंट है? एंड्रोशियम. सो दोनों की कौन से फ्लावर है? यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स. नाउ लुक एट दिस फ्लावर, इसमें दोनों है. टू मतलब बाय, वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रीफिक्सेस. टू मीन्स बाय. सो दिस फ्लावर इज बाय सेक्शुअल फ्लावर, राइट? दिस फ्लावर इज बाय सेक्शुअल फ्लावर. एंड सिंबॉल की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबॉल. This is female and this symbol is male. This bisexual flower is denoted by this symbol, male and female, male and female both parts. This unisexual flower will be denoted by this symbol because only male part is there. This unisexual flower will be denoted by this symbol because only female part is there. Moreover, ये जो unisexual flower है इसमें सिर्फ क्या present है? एंड्रोशियम मतलब स्टैमेन प्रेजेंट है, राइट? गाइनोशियम एब्सेंट है. तो ये यूनिसेक्शुअल फ्लावर को मैं ये भी नाम दे सकती हूँ, स्टैमिनेट फ्लावर. ओके, क्योंकि क्या प्रेजेंट है? स्टैमेन. एंड व्हाट अबाउट दिस? ये फ्लावर को मैं क्या बोलूंगी? अगर से गाइनोशियम प्रेजेंट है या फिर पिस्टिल प्रेजेंट है, तो पिस्टिल मतलब दिस फ्लावर इज पिस्टिलेट फ्लावर. वन मोर लास्ट टाइम, टाइप्स ऑफ फ्लावर. अगर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, फीमेल एंड मेल, तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. सिंबॉल इज दिस, मेल एंड फीमेल. इफ ओनली वन पार्ट इज प्रेजेंट, दैट टू मेल पार्ट इज प्रेजेंट, फ्लावर इज स्टैमिनेट. इफ ओनली फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, देन यूनिसेक्सुअल तो है बट क्या है? पिस्टिलेट. सो दीज टू आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. टुडेज होमवर्क इज यू नीड टू फाइंड आउट few names of, at least 5 names of bisexual flower and 5 names of unisexual flowers. And जो भी ये notes है आज की, आपको video pause करके register में लिखना है. There will be no notes for this topic. आपको ये pause करके सारे diagrams draw करके लिखना है पूरा. Once again we will see study stamen and pistil in detail. हम सबको पता है stamen कौन सा part है flower का? Male part. Stamen is male reproductive part because of this male. Okay. So let us see the sub parts. इसके सब पार्ट देखते हैं. ये जो ऊपर में बल्जिंग पार्ट दिख रहा है आपको, बल्ज हुआ, बलून जैसा पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. और एंथर के दो लोब्स है, एक ये एंड एक ये, टू लोब्स. एंथर हैज टू लोब्स, टू पार्ट. एंड ये जो लाइन है जो एंथर को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इट इज कनेक्टिव. ओके, देन देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सी ट्यूब है, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. सो स्टैमेन के पार्ट्स, दिस बल्जिंग स्ट्रक्चर इज एंथर, देन कनेक्टिव डिवाइड्स एंथर इनटू टू लोब्स, एंड ये जो ट्यूब है इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैमेन? स्टैमेन का काम क्या है? टू मेक मेल, टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, राइट? मेल गैमेट्स, और यू कैन से पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स बनेंगे यहाँ पे, हियर. ओके, सो पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट हियर. नाउ कम टू दैट पार्ट, पिस्टिल, विच वी ऑलरेडी नो इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसको पिस्टिल भी बोलते हैं या फिर कार्पेल भी बोलते हैं. इसके सब पार्ट देखते हैं. इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये स्टिकी होता है, स्टिकी गम जैसा, गम है वहां पे स्टिकी, इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. स्टिकी पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. देन दिस ट्यूब, ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टाइल. ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल. एंड ये जो बल्जिंग पार्ट, ये जो ऐसे फुला हुआ पार्ट, बल्ज पार्ट दिख रहा है नीचे बेस में, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. ओवरी. सो पिस्टिल के पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड
ओवरी, एंड ओवरी के अंदर जैसे एंथर में क्या थे, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स थे ना, तो ओवरी के अंदर क्या होगा, अगर एंथर में मेल गैमेट है तो ओवरी में क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल गैमेट, और हम उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ओव्यूल या फिर क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। सो नोटिस डाउन, लेट अस सी व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट अगेन। लेट अस ड्रॉ वन फ्लावर, एक फ्लावर ड्रॉ करती हूँ। ये थैलेमस है, एंड दिस इज अवर गाइनोशियम, देन एंड्रोशियम या फिर स्टैमेन बोलो, देन ब्राइटली कलर्ड कोरोला एंड ग्रीन कलर्ड कैलिक्स। दिस इज अ फ्लावर। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? पोलन ग्रेन्स एंथर में बनेंगे, मेल गैमेट्स, राइट, पोलन। नाउ टेक अ सेकेंड फ्लावर, ये सेकेंड फ्लावर थैलेमस है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, नाउ ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो गए यहां से यहाँ पे, तो यहां से पोलन, दिस इज पोलन, यहाँ पे पोलन ग्रेन बने, यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे। सो व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर हो रहा है, पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एंथर, एंथर से कहां जा रहा है, टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो क्लियर अबाउट पॉलिनेशन। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कभी ऐसे होगा यहां पे पोलन ग्रेन है दिस फ्लावर, और यहां का पोलन ग्रेन विल ट्रांसफर टू सेम फ्लावर, सेम फ्लावर का पोलन एंड सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है, या फिर यहां से पोलन दूसरे फ्लावर बट सेम प्लांट है। ओके, सो यहां पे पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे नहीं जा रहा है, एक तो सेम प्लांट पे है, कभी यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है और यहां से बाजू वाले फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन, पोलन ग्रेन, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ओके, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर, अगर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर का सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, बट ये डिफरेंट फ्लावर का पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन।